हुआ कि पूरा प्लान था वो एक्चुअली, और प्लान वे भी किया गया, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तो वो वीडियो जो है पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से डेट प्लान हुआ। जैसे वीडियो शुरू होता है कि पहले प्रोवोक किया है वहाँ पे, मैं वॉशरूम में था और जो मेरी वाइफ मदर सिस्टर वगैरह बैठी थी वहाँ से, मैं जब प्रोवोक करके वो चले गए और फिर मैं, मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ, और फिर मैं विंडो से मैंने देखा कि कोई वीडियो बना रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो लड़की विंडो जो वीडियो बना रही थी उनको मैं जानता नहीं और आज भी नहीं जानता वो, क्योंकि सोसाइटी में रहती नहीं, तो वीडियो जो बना रहे, तो मैंने अपने ब्रदर से बोला कि वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो फिर हम बाहर निकले कि वीडियो, अब सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर आपके घर के सामने मैं अपना वीडियो लेके खड़ा हो जाऊँ तो आपका पहला रिएक्शन से शायद यही होगा कि वीडियो क्यों बना रहे हैं। अगर उसके बाद भी कोई नहीं मानता तो आप थोड़ा सा फिर बोलोगे कि वह वीडियो क्यों बना रहा है, वीडियो क्यों बना रहा है। और उस वीडियो में जब वो शुरू होता है तो उसमें शुरुआत में शायद आप देखेंगे उस वीडियो को तो उसमें वो है कि जूम करो जूम करो, और वो दो बार जूम होता है, दो बार जूम होता है। अगर मैं इतनी दूरी भी खड़ा हूँ तो उसमें ऐसा लगेगा मैं पास में खड़ा हूँ, तो उस वो प्री प्लान, क्योंकि प्री प्लान था, उस लड़की ने बोला कि डोंट टच, और जबकि काफ़ी दूर खड़ा हुआ था डोंट टच, तो मेरे हमारे जो सिक्योरिटी वाला बंदा था उन्होंने कहा मैडम आप लेडीज़ हैं हम आपको टच क्यों करेंगे। और उसके बाद मैं हम लोग मैं चूँकि एकदम मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, ये प्री प्लान है कुछ, उसी वक्त मैंने बोला कि बना बनाओ चलो चलो चलो, तो मुझे शक हो गया था। अच्छा मैं ये सारे इंसिडेंट की या छोड़ो इन सब चीज़ों को कि हाँ हाँ न्यूज़ हो जाएगी कोई मतलब इन सब चीज़ों को, और मैं चला जाता हूँ वहाँ से खुद, मुझे खुद 5-6 बजे के आसपास पता चलता है, डिटेल्स पता चलता है कि मेरे खिलाफ FIR हो गई है। तब लोग हमारे घर वाले भी जाते हैं वहाँ पे कि इंसिडेंट तो हमारे साथ हुआ था ये वो, तो इस तरह की चीज़ें हुई। बट बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो एक तो आप वीडियो से देख के खुद बखुद आपको पता चल जाएगा, बाकी जो जिस तरीके से जो टेक्निकल चीज़ें पार्किंग को लेकर वो ऑलरेडी हमारे पास पेपर है, प्रूफ है बाकायदा कि हम जहाँ पर पार्किंग करते हैं उसका बाकायदा पैसा देते हैं, और जो सोसाइटी है वो सिर्फ मेरे आगे से, मैंने चारों तरफ से उसको ब्यूटिफिकेशन की वजह से, ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने पूरी सोसाइटी को बाकायदा अपने पैसे से बहुत अच्छा बनाया ताकि लोग आते रहें, जो भी आता है तो एटलीस्ट उनको लगे कि भाई हाँ अच्छा माहौल है। तो सिर्फ इतनी सी बात थी, सिर्फ इसलिए।